दोस्तों आपने कई मूवी टीवी सीरियल ड्रामा शो या फिर हॉलीवुड मूवी देखे होंगे जिनमें आप इन वॉरियर यानी योद्धाओं के कैरेक्टर को जरूर देखे होंगे जिन्हें वाइकिंग्स कहा जाता था। इनका रोल कुर्रुल उस्मान ड्रामा सीरियल जो फाउंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर उस्मान गाजी के ऊपर बना है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इनके ऊपर एक ड्रामा सीरियल भी बनाई जा चुकी है जिसका नाम है वाइकिंग्स। यहाँ तक कि एवेंजर्स मूवी में जो थोर नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है बताया जाता है कि वाइकिंग्स उसे अपना देवता यानी खुदा मानते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइकिंग्स का थोर से क्या रिश्ता था। वाइकिंग्स जिनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि वाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा लड़ाकू थे जो पल भर में बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त दे सकते थे। दोस्तों वाइकिंग्स का इतिहास जानने के लिए हमें आज से करीब 1200 साल पहले पीछे जाना होगा क्योंकि वाइकिंग्स का दौर 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक था। दोस्तों अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी लेकिन कहा जाता है कि कोलंबस से पहले वाइकिंग्स अमेरिका पहुंच चुके थे। दोस्तों वाइकिंग्स आज के स्केवेंडिया के डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन के इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वाइकिंग्स का मतलब होता है लूट मार करना जो जहाजों से लूटपाट किया करते थे। आसान लफ्जों में कहें तो समुद्री लुटेरा। डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन ये सभी देश अपने कड़ाके ठंडी के लिए मशहूर हैं। यहाँ की भीषण ठंडी यहाँ के लोगों को लूटपाट करने और ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ ज्यादा ठंड की वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब थे जो उस इलाके के पास गुजरने वाले सभी जहाजों को लूट लिया करते थे और अपने जरूरत के सामानों को वो बढ़ाते रहते। वाइकिंग्स में सभी लोग लड़ाके नहीं थे बल्कि कुछ लोग खेती करते और मछलियों और भी कई चीजों का व्यापार किया करते थे। वाइकिंग्स अपने अलग अलग कबीलों या ग्रुप में रहा करते थे और उनके उस ग्रुप और कबीलों में उनका एक मुखिया यानी सरदार हुआ करता था। वो अपने ग्रुप के साथ समुद्री जहाजों से पास पड़ोस के इलाकों में लूटपाट करते। वाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक वाइकिंग्स 100 लोगों को मारने की ताकत रखता था। वो ऐसे हथियार और टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसका सामना ही दूसरे लोग नहीं कर पाते थे। दोस्तों वाइकिंग्स ने अपनी पहली बड़ी लूट 793 में इंग्लैंड के एक टापू पर हमला किया। इस हमले में उन्होंने पूरे टापू को तहस नहस कर दिया। ये वाइकिंग्स की सबसे बड़ी लूट थी। यहीं से वाइकिंग्स का शुरुआत यानी एज ऑफ वाइकिंग्स माना जाता है जिसके बाद उनकी हिम्मत और हौसले बढ़ने लगे और उन्होंने छोटी मोटी लूट के बजाय अब बड़े बड़े लूट करने लगे और उन्होंने वहाँ के पास पड़ोस के इलाकों पर लूट पाट कर अपनी धाक जमा चुके थे और उनसे टकराने की हिमाकत भी अब कोई नहीं करता था। इसके बाद 799 में वाइकिंग्स ने फ्रांस में हमला किया और तमाम कीमती सामान इकट्ठा किए। वाइकिंग्स ग्रुप के साथ किसी भी इलाके को लूटते और वहाँ के बच्चे और औरतों को उठा ले जाया करते थे। वाइकिंग्स किसी भी धर्म को फॉलो नहीं किया करते थे। वो थोर नाम के एक देवता की पूजा करते थे जिसे वो अपना खुदा मानते थे। 9th सेंचुरी के आते आते वाइकिंग स्कॉटलैंड फ्रांस जर्मनी इटली और स्पेन यहाँ तक कि टर्की और ईरान तक भी वाइकिंग्स पहुँच चुके थे। वाइकिंग्स के वक्त वहाँ के इलाकों में सल्तनत अब्बासिया कायम थी। हालांकि सल्तनत अब्बासिया और वाइकिंग्स के बीच के बारे में इतिहास में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया और वाइकिंग्स के बारे में इतिहास की किताबें खामोश हैं और 11th सेंचुरी के आते आते वाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगे थे क्योंकि लोग वाइकिंग्स की लड़ने की टेक्निक और उनसे भलीभांति परिचित हो चुके थे और बाकी बचे कुछ वाइकिंग्स ईसाई और इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।